आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने का मामला तूल पकड़ रहा है। लैब रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। तेलंगाना के चिलकूर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंगराजन ने इस विवाद पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि इससे लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, इसमें अधिकांश लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। रंगराजन ने प्रसाद लड्डू बनाने के लिए निविदा प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब सबसे कम बोली लगाने वालों को चुना जाता है, तो यह समस्या को आमंत्रित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया, आज सबसे अच्छे गाय के घी की कीमत 1000 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति 320 रुपए कैसे बोली लगा सकता है? यह एक बड़ा दुखद मुद्दा है। हमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। मुख्य पुजारी ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के उस बयान की भी सराहना की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की बात की थी। रंगराजन ने कहा कि एक केंद्रीय धार्मिक परिषद होना चाहिए, जिसका नेतृत्व धार्मिक प्रमुख, महाधिपति और सेनानिवृत्त न्यायाधीश करे। इससे मंदिरों को बेहतर तरीके से चलने में मदद मिलेगी। इस विवाद पर आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली YSR कांग्रेस सरकार के दौरान तिरुपति प्रसादम के घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया गया। हालांकि YSRCP ने इस आरोपों से इनकार किया है और कहा कि प्रसादम में केवल जैविक सामग्री का ही उपयोग किया गया है। तिरुपति लड्डू के इस विवाद ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि प्रसाद की गुणवत्ता और सामग्री को लेकर कितनी गंभीरता होनी चाहिए। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।